लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप जरा फोन दे सकते हो प्लीज, मैं फिर ट्राई करके देखता हूँ। जरूर। मुझे तो अब नंबर भी याद हो गया है। नंबर याद रहने से क्या फायदा है, कल रात से हम लोग उसका नंबर ट्राई कर रहे हैं और अब तक हमारी बात गीता विश्वास से नहीं हो पाई। बैठिए। ये कोशिश तो हमें तब तक करनी पड़ेगी मानसी जी, जब तक कि हमारी बात गीता से नहीं हो जाती। करिए करिए। हेलो हेलो, उसी ने उठाया, मैं उसकी आवाज पहचानता हूँ। हेलो गीता, तुम गीता ही बोल रही हो ना? हिंदी में बोल रहा है। तुम गीता बोल रही हो? जी हाँ, मैं गीता बोल रही हूँ, आप कौन? अरे मैंने तो तुम्हारी आवाज सुनकर ही पहचान लिया था कि तुम गीता विश्वास हो, अब तुम हमें क्यों पहचानोगी? अरे मैं आज की आवाज का सब एडिटर बोल रहा हूँ, सुधांशु। पहचान रही हो मुझे? अरे सुधांशु जी, आप? What a pleasant surprise! गीता मेरी आवाज सुन रही हो? सुधांशु जी आप धीरे से बोलिए, आराम से बोलिए, मैं सब कुछ सुन रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपने मुझे कैसे याद किया इतने दिनों के बाद? अरे अरे मैंने तो तुमको याद कर लिया, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया हा? ना कोई फोन किया ना चिट्ठी लिखी, इतने दिन हो गए अमेरिका गए हुए, भूल गए हमको क्या? दरअसल बात यह है सुधांशु जी के यहाँ के काम में मैं इतनी बिजी हो गई, किसी को कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाई। I'm sorry। अरे गीता, इंसान वक्त निकालना चाहे तो निकल जाता है, और फिर आखिर तो हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे ना, अब देखो तुम तो हमें अपना पता तक नहीं देकर गई। पता है कितना मुश्किल हुआ हेमल से तुम्हारा पता निकालने में? तुम तो बहुत बड़ी बन गई हो ना, अब तुम्हें क्या जरूरत है हम लोगों से संपर्क करने की? नहीं नहीं सुधांशु जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ दरअसल मेरा अमेरिका आना इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मैं किसी को अपना पता दे ही नहीं पाई, और यहाँ आकर नया काम नया देश, मैं अपने काम में इतनी उलझ गई कि किसी को कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाई। लेकिन आपने मुझे कॉन्टेक्ट किया ना, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये बताइए कि आज की आवाज के ऑफिस का क्या हाल है, वहाँ पर सब लोग कैसे हैं? कम ऑन टेल मी। क्या बात करती हो, तुम्हें पता नहीं आज की आवाज तो बंद हो चुका है? आज की आवाज का ऑफिस बंद हो चुका है? But how? कैसे? जल्दी से काम की बात कीजिए ना। कमाल है, तुम्हें ये न्यूज का मालूम नहीं है? पूरी दुनिया को मालूम है, वो अपना आज की आवाज का मालिक था ना दयाल चोपड़ा, वो तो वास्तव में यूरेनियम का स्मगलर था, और हमारा एडिटर वो पान चबाऊ धुरंधर सिंह, हाँ धुरंधर, वो भी उसके साथ मिला हुआ था। अरे शक्तिमान ने ही दोनों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। वो सब छोड़ो गीता, दरअसल मैंने तुम्हें खास काम के लिए फोन किया था, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है गीता। हाँ?
हाँ बोलिए। गीता मैं मिसेस शर्मा के घर से बोल रहा हूँ। तुम इन्हें नहीं जानती हो, इनकी बहुत बड़ी पब्लिशिंग कंपनी है। इन्होंने मुझे शक्तिमान की कॉमिक्स निकालने का ऑफर दिया है। अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है। अब आज की आवाज के बंद होने के बाद आपको काम की जरूरत तो थी ही। लेकिन ये काम मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकता हूँ गीता, क्योंकि शक्तिमान की कहानी तुम्हारे सिवा और कौन लिख सकता है। क्यों? आप ये काम गंगाधर से भी करवा सकते हैं। मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने मना कर दिया। अब मेरी इज्जत का सवाल हो गया गीता, क्योंकि मैंने मिसेस शर्मा और उनकी बेटी से वादा कर दिया है कि मैं कॉमिक्स में शक्तिमान की सच्ची कहानी ही छापूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे गीता कि तुम इंडिया वापस आकर ये काम संभाल लो। नो आई एम सॉरी सुधांशु जी, मैं शक्तिमान के कॉमिक्स जैसे छोटे काम के लिए यूएनओ की नौकरी छोड़कर इंडिया नहीं आ सकती। लेकिन क्यों गीता क्यों? शक्तिमान की कॉमिक्स कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि आखिर उसमें शक्तिमान की कहानी होगी, उसी शक्तिमान की कहानी जिसकी न्यूज लाने के लिए तुम अपनी जान पे खेल जाया करती थी। और आज फिर तुम्हें मौका मिल रहा है उसी शक्तिमान की कहानी लिखने का, जिसे देश विदेश के हजारों लाखों बच्चे पढ़ेंगे। फिर तुम क्यों मना कर रही हो गीता? क्या तुम्हारे लिए आज शक्तिमान की कहानी से ज्यादा महत्वपूर्ण अमेरिका में यूएनओ की नौकरी करना हो गया है? प्लीज सुधांशु जी, आपको मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ना तो मैं इंडिया वापस आऊंगी और ना ही मुझे शक्तिमान के किसी भी चीज से कोई वास्ता रखना है। डू यू अंडरस्टैंड? ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन गीता कई फैसले ऐसे भी होते हैं जहाँ इंसान को वक्त के साथ बदलना पड़ता है, पर ये बात मेरी अभी तक समझ में नहीं आई है कि तुमने ऐसा फैसला किया ही क्यों। तुम्हारी माँ ने भी मुझसे कहा था कि तुम किसी बात पर दुखी होकर इंडिया छोड़कर गई थी। आखिर किस बात पर गीता, किस बात पर? हेलो गीता, तुम सुन रही हो ना? हेलो गीता, हेलो हेलो गीता, गीता तुम सुन रही हो ना? हेलो जवाब दो गीता, अरे कुछ तो बोलो। हेलो 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 गीता, लाइए फोन मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ जल्दी। हेलो, हाय गीता, मैं मानसी बोल रही हूँ, मिसेस शर्मा की बेटी। बड़ी मुश्किल से तुमसे कांटेक्ट हो पाया है गीता। देखो गीता, ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें, पर मैं तुमसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि यहाँ सचमुच तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरा मतलब है, तुम्हारे यहाँ आने से ना सिर्फ कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा, बल्कि हमारे देश के तमाम बच्चों को, आई मीन टू से हमारी आने वाली जनरेशन को, शक्तिमान की सच्ची कहानी भी मिलेगी। तुम समझ रही हो ना? लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लो पहले गीता। गीता सुनो, अगर तुमने शक्तिमान की कहानी नहीं लिखी तो भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ियों को शायद ही कभी ये पता चलेगा कि हमारे देश में भी शक्तिमान नाम का एक सत्य का योद्धा हुआ करता था। गीता, तुम्हें शक्तिमान की कहानी लिखकर शक्तिमान को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखना है, यही हमारा भी मकसद है। हाँ गीता, कॉमिक्स भले ही एक छोटी सी चीज क्यों ना हो, पर तुम्हें पता है इसका बच्चों के दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के बच्चों पर इसका पूरा पूरा असर पड़े, शक्तिमान की कहानी पढ़कर वो भी सत्य की राह पर चले। तुम सुन रही हो ना गीता? हेलो 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 गीता, गीता गीता तुम सुन रही हो? ये तो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही है। मानसी जी एक मिनट मुझे फोन दीजिए। हेलो गीता, मैं सुधांशु बोल रहा हूँ, अब तुम्हारा फैसला क्या है? हेलो गीता, तुम्हारा फैसला क्या है बताओ ना। हेलो गीता, तुम शक्तिमान की कहानी लिखोगी ना? तुम सुन रही हो ना? जवाब दो ना प्लीज। गीता जवाब दो ना, कुछ बोलो ना। गीता जवाब दो ना, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? हेलो हेलो गीता, गीता जवाब दो ना। गीता, लगता है उसने फोन रख दिया। ओह माय गॉड, इसका मतलब है हमें शक्तिमान के कॉमिक्स के बारे में सब कुछ भूलना होगा। नहीं बेटे, पहले हम सुधांशु से पूछ तो लें कि गीता विश्वास ने इससे क्या कहा है। मामू,
उसने तो फोन ही नीचे रख दिया। इसका मतलब साफ साफ यही है कि वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहती। अरे नहीं बेटे, हो सकता है कि लाइन ही खराब हो इसलिए फोन कट गया हो, क्यों सुधांशु? हाँ हो सकता है, मैं गीता को जानता हूँ, वो बिल्कुल साफ साफ कहने वाली लड़की है, अगर उसे मना करना होता तो वो साफ मना कर देती। तो फिर उसने फोन नीचे क्यों रख दिया? ठीक है दोबारा फोन मिलाइए। मैं सोचता हूँ बेहतर यही होगा कि हम थोड़ी देर के बाद फोन करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मेरी बातों से वो उलझन में पड़ गई हो और उसने सचमुच फोन रख दिया हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम थोड़ी देर के बाद फोन करें ताकि वो अच्छी तरह सोच ले कि उसे इंडिया वापस आना है या नहीं। कैसे हो सकता है? मैंने शक्तिमान को वादा किया था मैं उसके सामने कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी मैं उसके सामने। और अगर मैं इंडिया चली गई तो मां के वो सारे सपने फिर से जाग जाएंगे जो कभी शक्तिमान की वजह से टूट गए थे। शक्तिमान से प्यार करती हूँ, ये एक सच है माँ। लेकिन बेटी तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि शक्तिमान तुम्हें चाहता भी है या नहीं? नहीं पता, दूसरे के दिल में क्या है मैं कैसे जानूं? शक्तिमान ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो बेवजह अपने सर बदनामी क्यों मरना चाहती हो तुम? इसमें बदनामी क्या है? भगवान न करे बदनामी हो, लेकिन शक्तिमान के दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं हुआ तो? माँ फिर क्या होगा सोचा है? इसमें सोचना क्या है, अगर उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं हुआ तो ना सही, प्रेम कुछ पाने की आशा नहीं रखता माँ। मैं शक्तिमान से प्यार करती हूँ, मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफी है। लेकिन समाज ऐसे प्रेम को नहीं मानता गीता, शादी के बिना समाज प्रेम को अधूरा समझता है। मुझे समाज की परवाह नहीं है। लेकिन मुझे है, हमारे पास और है ही क्या? तुम्हारे पिताजी का कमाया हुआ थोड़ा सा नाम और थोड़ी सी इज्जत। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी वजह से उस पर कोई आंच आए। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? यही कि तुम शक्तिमान से साफ साफ बात करो। मैं जल्द से जल्द तुम दोनों को शादीशुदा देखना चाहती हूँ। शादी? ये क्या कह रही है? माँ को शायद तुम्हारे क्लोन के बारे में पता नहीं होगा, वो तो यही समझ रही है कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है। तो तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं? मैं पहले तुमसे पूछना चाहती थी। क्या? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी शादी हो? शादी? हाँ शादी। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? प्रेम? हाँ प्रेम, तुमने कभी बताया नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखों ने हमेशा कहा है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। लेकिन आज मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। प्रेम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसे बताया जाए। यानी कि तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो? हाँ, मगर। मगर क्या? हमारी शादी नहीं हो सकती। क्या? हमारे प्रेम में मिलन का कोई स्थान ही नहीं है गीता। ये तुम क्या कह रहे हो शक्तिमान? वही जो सच है, हमारा मिलन नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? हमारा मिलन क्यों नहीं हो सकता शक्तिमान? क्योंकि मेरे कर्तव्य मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते। मैं अपने प्रण से बंधा हुआ हूँ गीता। क्या तुमने शादी ना करने का प्रण लिया है? नहीं। तो फिर? संसार में फैले हुए पाप का प्रतिकार का जो प्रण मैंने लिया है, उस प्रण को पूरा करने के लिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? प्रेम इंसान को मोह में जकड़ लेता है। मोह इंसान की दुर्बलता है गीता, और दुर्बल इंसान कोई युद्ध नहीं लड़ सकता। जबकि मेरे गुरुदेव ने इस संसार में मुझे केवल सच की पवित्र लड़ाई लड़ने के लिए भेजा है,
प्रेम मोह नहीं है शक्तिमान। और फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरे प्रेम का मोह तुम्हें जकड़ देगा? क्योंकि ऐसा हो चुका है गीता, एक बार तुम्हारा प्रेम मोह बनकर मुझे जकड़ चुका है। तुम्हारे मोह में पड़कर मैंने प्रकृति से विद्रोह किया है गीता, मैंने प्रकृति के नियम को तोड़ा है। क्या? हाँ, अंतरिक्ष में तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी और मेरा मोह इस बात की इजाजत नहीं देता था कि तुम्हारी मृत्यु हो, इसलिए मैंने प्रकृति से विद्रोह करके तुम्हें जीवित किया है गीता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता शक्तिमान, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है गीता, ऐसा हुआ है। नहीं शक्तिमान, ऐसा नहीं कर सकता, शक्तिमान ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, शक्तिमान ने ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन शक्तिमान ने ऐसा किया। नहीं, क्योंकि तुम्हारे मोह में जकड़ा हुआ था मैं, तुम्हारे मोह ने ही मुझसे वो अनर्थ करवा दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम्हें जीवित करके प्रकृति से विद्रोह किया मैंने, प्रकृति के नियम को तोड़ दिया था मैंने। हे ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी प्राण शक्ति, अब अपने शरीर में पुनः प्रवेश करें। पंच महाभूत, तुम्हें मिली हुई शक्तियों को तुमसे वापस लेते हैं, तुमसे वापस लेते हैं, तुमसे वापस लेते हैं, तुमसे वापस लेते हैं, तुमसे वापस लेते हैं।
धरती ने भी मुझसे मेरी सारी शक्तियां छीन ली, शक्तिहीन बना दिया मुझे। इसीलिए मैं उस वक्त नहीं आ सका जब क्लोन पहली बार तुम्हारा अपहरण करके शहर में तबाही मचा रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं शक्तिहीन हो गया था। बहुत मुश्किल से उस मोह के बंधन से अब मैं ऊपर उठ चुका हूं गीता, और प्रकृति ने भी मुझे सारी शक्तियां वापस कर दी हैं। लेकिन मैं इस बार उन शक्तियों को नहीं खोना चाहता गीता। ये शक्तियां समाज की धरोहर है मेरे पास, मुझे समाज के लिए ही ये शक्तियां मिली हैं। इन्हें खोकर मैं समाज से उसका हक नहीं छीनना चाहता। मैं विवश हूं गीता, मुझे समझो। अपने कर्तव्य के लिए मुझे अपने प्रेम का बलिदान देना होगा। मैं तुम्हारे साथ किसी भी बंधन में नहीं बन सकता गीता। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे आज बता रहे हो? क्यों शक्तिमान, आखिर क्यों जिंदा किया था तुमने मुझे? क्यों जिंदा किया था शक्तिमान? मुझ में ऐसा क्या है शक्तिमान? इस दुनिया में मुझे दूसरा शक्तिमान नहीं मिल सकता, लेकिन मेरी जैसी हजारों लाखों गीता विश्वास तुम्हें मिल जाती। फिर तुमने प्रकृति के नियम को क्यों तोड़ा शक्तिमान, क्यों? क्योंकि वास्तव में मैंने केवल तुमसे प्रेम किया था गीता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तो इसलिए तुम अपना प्रण भूल गए? तुमने प्रकृति के नियम को तोड़ दिया? हाँ नहीं शक्तिमान, जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ शक्तिमान। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारी राह में बाधक नहीं बनना चाहती, और ना ही मेरे प्रेम को कोई आशा है। इसलिए आज मैं भी तुम्हारी तरह एक प्रण लूंगी। मैं ये प्रण लेती हूं कि अब मैं कभी तुम्हारी राह में बाधक नहीं बनूंगी। अब तुम यहां से चले जाओ शक्तिमान, इससे पहले कि मैं कमजोर हो जाऊं। तुम यहां से चले जाओ प्लीज शक्तिमान, चले जाओ यहां से, चले जाओ प्लीज, चले जाओ यहां से। वापस जाने नहीं देगा। मैं नहीं लिख सकती, नहीं लिख सकती मैं। चाहकर भी मैं शक्तिमान की कहानी नहीं लिख सकती, नहीं लिखूंगी मैं, नहीं लिखूंगी। लेकिन शक्तिमान की कहानी तुम्हें लिखनी पड़ेगी गीता। शक्तिमान तुम्हारा प्रेम है गीता, और अपने प्रेम को अमर बनाने के लिए तुम्हें उसकी कहानी लिखनी पड़ेगी। Stop it! मत कहो ऐसा, ऐसा मत कहो। मैं अपने प्रण को नहीं तोड़ सकती। तुम्हारा प्रण तब टूटेगा गीता, जब तुम दोबारा शक्तिमान के करीब जाओगी। लेकिन अगर तुम चाहो तो हिंदुस्तान में रहकर शक्तिमान की कहानियां लिखते हुए तुम उससे दूर रह सकती हो, जैसे तुम यहां रहती हो। नहीं नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी कहानी लिखने के लिए मुझे बार बार उसका सामना करना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा अगर शक्तिमान से तुम्हारा सामना होगा भी, तो सिर्फ उसकी कहानी हासिल करने के लिए बस। लेकिन तब शायद मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाऊंगी, और शायद शक्तिमान भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना कि मैं उससे करती हूं।
लेकिन शक्तिमान व्यक्तिगत प्रेम कर नहीं सकता, ये उसकी विवशता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो इन बंधनों में बंधकर अपनी सारी शक्तियां खो दे, क्योंकि इन्हीं शक्तियों की वजह से तो वो समाज की रक्षा करता है। नो, आई कांट डू इट, आई जस्ट कांट डू इट, आई कांट डू इट। ऐसा नहीं होगा गीता, शक्तिमान एक महान योगी है, मुझे पूरा विश्वास है वो फिर से कभी तुम्हारे मोह के बंधन में नहीं बंधेगा। लेकिन मैं योगी नहीं हूं ना, अगर मैं ही टूट गई तो? माना कि तुम योगी नहीं हो, लेकिन तुमने सच्चा प्रेम किया है गीता। अब तुम्हारा ये सच्चा प्रेम ही तुम्हारी ताकत बनकर तुम्हें शक्तिमान से दूर रखेगा। अपने प्रेम पर विश्वास रखकर हिंदुस्तान चली जाओ गीता। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वो तुम्हारे प्रण को कभी टूटने नहीं देगा। चली जाओ। और सच पूछो तो ये तुम्हारे प्रेम की परीक्षा भी है गीता। अपने प्रेम को सच्चा साबित करने के लिए तुम्हें शक्तिमान के पास रहकर भी उससे दूर रहना होगा। नहीं, प्लीज मुझे परेशान मत करो। नहीं नहीं नहीं। हाँ गीता, तुम शक्तिमान के पास रहकर भी उससे दूर रहोगी, क्योंकि तुम्हें प्रेम की इस अग्नि परीक्षा में सफल होना है। नहीं, नहीं कर सकती मैं, नहीं। हाँ गीता, तुम हिंदुस्तान जाओगी, तुम हिंदुस्तान जाओगी गीता, तुम हिंदुस्तान जाओगी। याद रखो गीता, तुम अपने प्रेम की परीक्षा जरूर दोगी, अपने प्रेम की परीक्षा दोगी तुम, जरूर दोगी, जरूर दोगी, जरूर दोगी, जरूर दोगी। हेलो, हेलो गीता, मैं सुधांशु बोल रहा हूँ, क्या सोचा है तुमने? हेलो गीता, हेलो, तुम मेरी आवाज सुन रही हो ना? गीता बताओ ना, तुम्हारा फैसला क्या है? मैं अपने प्रेम की परीक्षा दूंगी। क्या क्या कहा तुमने? सुधांशु जी, मेरा मतलब है मैं इंडिया वापस आ रही हूँ। सच सच कह रही हो तुम? हेलो, उसने फोन रख दिया, लेकिन वो इंडिया आ रही है। सच? हाँ। लो बेटे, गीता विश्वास इंडिया वापस आ रही है। हाँ। इसका मतलब है हमारी कॉमिक्स निकल कर रहेगी। यस मामू, और इसका सारा क्रेडिट सुधांशु जी को जाता है, इन्हीं की वजह से गीता इंडिया आ रही है। लेकिन मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि गीता इंडिया शक्तिमान की कॉमिक्स में काम करने आ रही है, ये सुनकर सारी अकड़ निकल जाएगी उस गंगाधर की। अरे ये कैमरा, इसे तो मैं भूल ही गया। मेरे घर में इस कैमरे को रखने का मतलब है कोई ये जानना चाहता है कि मैं ही शक्तिमान हूं कि नहीं। मगर कौन हो सकता है ये?
ये तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी तक वो कपड़ा कैमरे के ऊपर ही है। तुमने वो कैमरा ऐसी जगह क्यों छुपाया जहां इंसान कपड़े रखता हो? नहीं नहीं, मैंने कैमरे को ऐसी जगह नहीं छुपाया था। मैंने तो कैमरे को किताबों के बीच में छुपा कर रखा था। भाव, किताबों के बीच? हाँ। तो फिर उसने वो कपड़ा किताबों पर कैसे रख दिया? अरे हो सकता है गलती से रख दिया हो, या तो उसे चीजें इधर उधर रखने की गंदी आदत हो। अभी अपुन को ही ले लो ना, अपुन ने कल क्या किया मालूम है? अपना जूता है ना, खाने के टेबल में रख दिया। शट अप। बार बार डांटते क्यों हो? ये तुम कर सकते हो, गंगाधर तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं है। नहीं डॉक्टर, गंगाधर तो नवरंगी से भी ज्यादा बेवकूफ है। नहीं, वो बेवकूफ नहीं है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से गंगाधर ने उस दिन कैमरे को देख लिया था और फिर उसने चालाकी से कैमरे के ऊपर कपड़ा डाल दिया था ताकि हम उसकी असलियत न देख सके, और इसीलिए, सिर्फ इसीलिए उसने उस कपड़े को कैमरे के ऊपर से बिल्कुल हटाया नहीं। पिछले दो दिनों से वो कपड़ा कैमरे के ऊपर बिल्कुल उसी तरह से पड़ा हुआ है। आप उनको तो लगता है कपड़ा हटा लिया है। तो फिर उसका घर यहाँ स्क्रीन पर दिखाई क्यों नहीं देता है? अरे हो सकता है या तो वो तुम्हारा कैमरा खराब होगा या तो तुम्हारे इस मशीन में कोई खराबी होगी। भाव, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल की बनाई हुई मशीन कभी खराब नहीं हो सकती है। लेकिन पार्टनर, तुमने जिन चीजों से ये सब बनाया है ना, वो सब मैं चोर बाजार से लाया हूँ, वो भी चोरी करके। तो क्या हुआ, मगर उसे बनाया तो मेरे ही ग्रेट शैतान दिमाग ने, है ना? नहीं नहीं नहीं, मेरी मशीनें बिल्कुल ठीक हैं। गड़बड़ी तो गंगाधर के घर से ही हुई है, उसने जानबूझकर डाला हो या अनजाने में, मगर कपड़ा तो कैमरे के ऊपर अब तक है। और गंगाधर की असलियत को जानने के लिए हमें उस कपड़े को वैसे भी हटाना ही होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? मैंने कहा ना, ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ भी तो भी हमें उस कैमरे को उसके घर से यहाँ लाना होगा ताकि मैं उसे बना सकूं। लेकिन शेर के जबड़े में हाथ डालेगा कौन, कैमरा वहां से लाएगा कौन? वही जिसने उस कैमरे को वहां रखा। यानी कि मैं? हाँ। ना बाबा ना, मैं वहां दोबारा नहीं जाने वाली। पापा। क्यों? क्यों? मैं ही क्यों जाऊं? तुम दोनों में से वहां कोई नहीं जा सकता। देखो, ये काम तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा, वो तुम्हें जानता है। तुम उसे बातों में फंसा कर दोबारा उसके घर के अंदर जा सकती हो। और खुद ही फंस गई तो? अगर वो ये जानता है कि वहाँ पर कैमरा रखा हुआ है तो वो ये भी जरूर जानता होगा कि कैमरा रखने वाली भी मैं ही हूँ। अरे हो सकता है उसे तुम्हारे बारे में कुछ मालूम ही ना हो। रितु, यस, और इस काम के लिए तुम्हें फायदा भी तो बहुत होगा लड़की। बड़े फायदे के लिए थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। अरे कैसा फायदा, मुझे तो लगता है तुम दोनों की वजह से कहीं मुझे जेल ना जाना पड़े। तुम्हारी वजह से मैं काम पर नहीं जा सकती, घर में आके ऐसे टिक्के बैठ गए हो कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। एक तो मेरे घर का राशन खत्म कर रहे हो, ऊपर से रिस्क उठाने को भी मुझे ही कह रहे हो। ना बाबा ना, अब मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं नहीं जाने वाली वहाँ पर। नहीं जाएगी। देखो रीता, जरा बात को समझो। हम वहां जा सकते हैं, मगर तुम्हारा वहां जाना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर वो सचमुच शक्तिमान है तो वो हम दोनों को तो अच्छी तरह से पहचानता है। और अगर उसे सचमुच कैमरे के बारे में पता चल चुका है तो भी तुम उसे ये कहकर बच सकती हो कि उस कैमरे के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं।
क्योंकि उसने अपनी आंखों से तुम्हें वहां कैमरा रखते हुए तो नहीं देखा ना। और रितु रितु देखो, अगर तुम नहीं गई वहां पर तो आज तक की गई सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी, क्यों पार्टनर? हाँ, इसीलिए तुम्हें थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। हाँ, और तुम घबराओ बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे तुम सोच रही हो। ठीक है, वेरी गुड, मगर ये आखिरी बारी होगा समझे। मैं कल सुबह वहां पर चली जाऊंगी। नमस्ते। नमस्ते, आखिर आप आई गई ना, हमें पता था कि आप आएंगी। हाँ हाँ, वो मैंने कहा था ना मैं दोबारा आऊंगी। आपने अगर कहा नहीं होता तो भी आप आती। पिछली बार आपका काम पूरा नहीं हुआ था ना। लगता है ये सब कुछ जान चुका है जी। वो आइए, हमें अच्छी तरह से पता है कि आप यहाँ क्यों आई हैं। आप हमारी परीक्षा लेना चाहती थी ना जी। आप ये जानना चाहती थी कि हम कौन हैं, मेरा मतलब है कि हम कैसे हैं, और यही बात आप उनको जिन्होंने आपको यहाँ पर भेजा है ना, ये बताना चाहती थी कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं जी। जी नहीं, वो दरअसल। अरे छोड़िए छोड़िए सपना जी, हम आपकी चाल को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अरे हम तो उसी दिन आपकी चाल को समझ चुके थे जब आप यहाँ से हमारे घर से बाहर गई थी। कैसी चाल? हमें परखने की चाल, हमारी असलियत को जानने की चाल। परंतु हम आपसे पूछते हैं कि आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता थी। अरे हमने तो अपनी असलियत को उसी दिन आपको बता दिया था कि हम पूर्णतः ईमानदार व्यक्ति हैं। जी हाँ, हम ईमानदार हैं। ये लीजिए आपकी अपनी चीज। आप जानबूझकर इस चीज को हमारे यहाँ पर छोड़कर गई थी ना, क्योंकि आप ये जानना चाहती थी कि हम आपको इस चीज के बारे में बताएंगे कि नहीं बताएंगे। ये लीजिए आपकी चीज। अरे हम तो पराई चीज को देखना तक पसंद नहीं करते, इसीलिए हमने उस पर कपड़ा डाल दिया था ताकि जाते वक्त हमारी दृष्टि उस पर ना पड़े। है ना हम ईमानदार। आप तो वाकई ईमानदार है। तो फिर हमको मिलेगा ना कर्ज, अर्थात वो ऋण। क्यों नहीं, तो फिर लाइए जी, कर्ज लाइए। देखिए ना हमारे घर की दुर्दशा, देखिए ये मरियल सा पलंग, और ये देखिए ये खंडहर होती हुई दीवारें, और ये खटारा सा टीवी, और ये दीमक लगी हुई अलमारी। हम अपने घर को संपूर्ण नवीन कर देना चाहते। आपने उस दिन कहा था ना कि हम इसको नया बना कर देंगे। हाँ, होगा ना नया, बिल्कुल होगा, जरूर होगा। अरे 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 अरे, मुबारक हो गंगाधर, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। क्या बात है सुधांशु भैया, आज कोई दिवाली तो है नहीं, फिर किस बात की मुबारकबादी दे रहे हैं आप हमें? अब अपनी तो हर दिन और हर रात दिवाली है गंगाधर। क्या हुआ? क्योंकि शक्तिमान की कहानी लिखने के लिए शक्तिमान की गर्लफ्रेंड गीता विश्वास इंडिया आ रही है। शक्तिमान की गर्लफ्रेंड जी? क्या कहा आपने? यही कि गीता विश्वास इंडिया वापस आ रही है। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हारे बिगैर भी शक्तिमान की कॉमिक्स निकाल सकता हूँ। गीता ही शक्तिमान की हर कहानी लिखेगी, और उसकी हर कहानी तो सच्ची ही होगी ना गंगाधर। परंतु आपसे किसने कह दिया कि गीता विश्वास वापस आ रही है? खुद गीता विश्वास ने, और वो तो आज रात इंडिया पहुंच भी जाएगी। अब शक्तिमान की कॉमिक्स निकालने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता गंगाधर, कोई नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। मैं भी अब चलता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ये खबर सुनाने आया था। नमस्कार। ओ नमस्कार गंगाधर। लेकिन गीता यहाँ दोबारा कैसे?
आप लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों को कभी भूल नहीं पाऊंगी। गीता, हम तुम्हें कभी भुला नहीं पाएंगे। हाँ गीता, हम भी तुम्हें कभी नहीं भुला पाएंगे। लेकिन तुम्हारे बिना हमें अच्छा नहीं लगेगा गीता। और आप कुछ नहीं कहेंगे गंगाधर जी? जी जी वो अब हम क्या कहें, हमें शब्द नहीं मिल रहे। मेरे जाने से तुम्हें खुशी हो रही होगी ना? जी आप क्या कह रही हैं, भला हमें क्यों खुशी होगी? क्यों, अब शक्तिमान का न्यूज सिर्फ तुम अकेले लेकर आओगे, सारा क्रेडिट तुम्हें मिलेगा और अपना नाम मेरे साथ शेयर भी नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, है ना? क्या कह रही हैं आप देवी जी, एक तो आप हमें अकेला छोड़कर जा रही हैं और ऊपर से ऐसी बातें कहकर हमारा दिल दुखा रही हैं। मेरा ये मतलब नहीं था गंगाधर। अरे हाँ, तुम अपनी एक चीज मेरे घर बुलाए थे कल, मैं साथ लाई हूँ। आपके घर में? हाँ, तुम भूल गए थे, ये भूल गए थे। अच्छा वाह, आप इसे लेकर आई हैं। लगता है इसमें कुछ खास चीज है। भाई अब इसमें क्या है, ये सिर्फ मैं और गंगाधर जी जानते हैं। घबराओ मत, तुम्हारा ये रहस्य मैं किसी को नहीं बताऊंगी। धन्यवाद। अच्छा मैं चलती हूँ। बाय। अजय गीता जी, ऑफिस में हम सबको फोन करते रहना जी। आपकी बहुत याद आएगी गीता जी। जब भी इंडिया आओ हम लोग को मिलने जरूर आना। बाय गीता, सी यू। उसने तो प्रण लिया था कि वो मुझसे कभी नहीं मिलेगी, तो क्या वो अपने प्रण को भूल चुकी है या कहीं उसके हृदय में पल रहा मेरे प्रति प्रेम उसे विवश तो नहीं कर रहा यहां आने के लिए? लेकिन ये गलत है। अगर वो दोबारा भी यहां पर आई तो मैं उसके प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा मैं उसके प्रेम को स्वीकार। अगर वो शक्तिमान की कहानी लिखेगी तो उसे शक्तिमान को तो मिलना ही पड़ेगा ना, पर कैसे मिल पाएगी वो शक्तिमान को? और मैं गंगाधर बनकर भी उससे नहीं मिल सकता, क्योंकि वो जान चुकी है कि मैं ही गंगाधर हूं और मैं ही शक्तिमान हूं। लेकिन फिर अपनी कहानी लिखने के लिए वो उससे मिले बगैर कैसे लिखेगी? पता नहीं कैसे मिल पाऊंगा मैं उससे, क्या होगा अब, क्या होगा? अरे वो लड़की कहां चली गई? पता ही नहीं चला कब चली गई वो। अब वो उस कैमरे को लेकर उसी के पास जाएगी जिसने उसे भेजा था। अब मैंने उसकी चाल को नाकामयाब बनाने के लिए अपनी चाल तो चली थी, पर कहीं वो मेरी चाल को समझ तो नहीं जाएगा। क्या उसने खुद तुम्हें ये कैमरा लौटा दिया? हाँ। ओह
आकर तुमने उसे मना क्यों नहीं किया कि ये तुम्हारी चीज नहीं है? तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती हो। मैंने तुम्हें ये पहले ही बताया था ना? हाँ, बताया तो था, मगर मैं उस समय कुछ घबरा गई थी, इसीलिए मैंने चुपचाप ले लिया। तो इसका मतलब ये है पार्टनर कि उसे पहले से मालूम था कि उसके घर में कैमरा रखा गया है, और कैमरा रखने वाले ये रितु। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि गंगाधर को ये मालूम था कि ये चीज कैमरा है। अगर उसे मालूम होता तो वो मुझसे भी तो कुछ पूछताछ करता ना। नहीं, उसने पूछताछ इसीलिए नहीं की क्योंकि वो चाहता था कि हम यही समझे कि उसे पता नहीं है कि ये चीज कैमरा है। भोला बनकर उसने बहुत ही करारा जवाब दे दिया हमें। उसकी इस चाल से मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा है। मुझे यकीन होता जा रहा है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, और वो मणि भी अब उसी के घर में कहीं छिपी हुई होगी। देखो पार्टनर, अगर वो सचमुच शक्तिमान है तो उससे टक्कर लेना अच्छा नहीं है। अच्छा यही होगा कि हम लोग उस मणि की बात को भूल जाएं। शक्तिमान से टक्कर लेना ही तो मेरा मकसद है। देख लेना, एक न एक दिन मैं वो मणि उसके यहाँ से हासिल करके रहूंगा। बस उससे पहले मुझे ये साफ साफ पता चल जाए कि शक्तिमान रहता कहाँ है, और ये भी पता चल जाए कि गंगाधर ही शक्तिमान है, उसके बाद द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल का करिश्मा तुम देखना। अरे हाँ, याद आया, मुझे आज गंगाधर के घर में शक्तिमान के बारे में एक बात मालूम हुई। क्या क्या मालूम हुआ? गंगाधर के घर में एक आदमी आया था, वो उसे बता रहा था कि शक्तिमान की गर्लफ्रेंड इंडिया वापस आ रही है। कौन? गीता विश्वास? आप उसे जानते हैं डॉक्टर? अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं उसे। अगर गीता सचमुच वापस इंडिया आ रही है तो फिर हमारे लिए इससे बढ़कर कोई और खुशी की बात हो नहीं सकती। रीता, लेकिन अगर शक्तिमान की गर्लफ्रेंड इंडिया आ रही है तो ये हमारे लिए अच्छी खबर कैसे हो सकती है? अभी ये तुम नहीं समझोगे नवरंगी, अभी तुम बस इतना समझ लो कि गीता के इंडिया लौटने पर जहां हमें ये बात साफ साफ पता चल जाएगी कि गंगाधर ही शक्तिमान है या नहीं, वहीं दूसरी ओर शक्तिमान की दिव्य मणि हमारे कब्जे में आ जाएगी। सच सच, अगर वो दिव्य मणि हमारे हाथ लग गई तो कितना मजा आएगा, हम सब लोग सचमुच दौलतमंद हो जाएंगे। 100%। अच्छा पार्टनर, गीता के इंडिया आने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? बहुत उतावले हो रहे हो नवरंगी। जानना ही चाहते हो तो सुनो, इंडिया लौटने पर गीता का सबसे पहले स्वागत हमें करना है। गीता का स्वागत हमें? हाँ, गीता का स्वागत हमें। हेलो। हेलो मामा, मैं गीता बोल रही हूँ। क्या गीता, कितने दिनों बाद फोन किया बेटे, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मामा। अच्छा मामा, आपके लिए खुशखबरी है। मेरे लिए तो खुशखबरी बेटे बस एक ही हो सकती है कि तू जल्द से जल्द इंडिया वापस आ जाए। बस मामा, यही खुशखबरी है। क्या क्या कहा तूने बेटा? हाँ माँ, मैं यूएनओ की नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए इंडिया वापस आ रही हूँ। तू सच कह रही है ना बेटे, तू वाकई इंडिया वापस आ रही है ना? हाँ माँ। अच्छा माँ, अप्पू कहाँ है? सो रहा है बेटे, मैं अभी जगाती हूँ। ना ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वहीं आकर उससे मिल लूंगी। लेकिन बेटा तू आ कब रही है? माँ मैं कल रात को इंडिया पहुँच रही हूँ। कल रात? इतनी जल्दी तूने लौटने का फैसला कैसे कर लिया बेटे? वो क्या है ना माँ, शायद मेरी जिंदगी में सब कुछ अचानक ही होना लिखा है। अब देखो ना, मेरा इंडिया से अमेरिका आना भी अचानक ही हुआ, अब वापस आना भी अचानक ही हो रहा है। लेकिन माँ मैं क्यों आ रही हूँ, किस लिए आ रही हूँ, वो सब कुछ मैं इंडिया आकर आपको बताऊंगी। ओके, मुझे आने की तैयारी भी करनी है। I'm going to hang up, मामा। ठीक है, मैं अप्पू के साथ लेने तुझे एयरपोर्ट आ जाऊंगी। ना ना माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है,
मैं खुद घर आ जाऊंगी। यस। अच्छा माँ, एक और बात, प्लीज किसी को मत बताना कि मैं वहां आ रही हूँ, मुझे एक दो दिन रेस्ट करना है। ओके ठीक है बेटा। अच्छा माँ, लव यू, सी यू सून, बाय। बाय बेटा, गुड नाइट। बेटे उन्होंने हमें एयरपोर्ट आने के लिए क्यों मना किया? अगर हम एयरपोर्ट चले जाते तो क्या होता? अभी आती होगी। दीदी आई। दीदी, 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 दीदी। आप कहिए। नमस्कार। नमस्कार। मैं सपना हूँ, मैं सेवादास ग्रुप ऑफ कंपनी से आई हूँ। क्या मैं आपका थोड़ा सा वक्त ले सकती हूँ? कहिए क्या बात है। देखिए, हमारी कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है जो कि जरूरतमंद लोगों को ढूंढ कर उन्हें लोन देती है, वो भी बहुत ही कम ब्याज पर और आसान किस्तों पर। जैसे कि उन्हें घर दिलाना, रोजगार दिलाना, घर की जरूरतमंद चीजें दिलाना। आपको अगर किसी फाइनेंस की जरूरत हो तो। नहीं, मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सोच लीजिए आंटी, इस तरह की फाइनेंस कंपनी आपको दोबारा नहीं मिलेगी जो खुद घर आके लोन दे। बात तो आपकी सही है, लेकिन मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं, आप कोई और जरूरतमंद इंसान ढूंढ लीजिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारा तो ये काम है, हम तो कोशिश करते ही रहेंगे और इसी तरह से हमें जरूरतमंद लोग भी मिल जाते हैं। अच्छा अब मैं चलती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको तकलीफ ना हो तो एक ग्लास पानी मिलेगा प्लीज? हाँ अभी एक मिनट में लेके आती हूँ। पाओ तुम लोग, घर में क्यों घुसा है और दरवाजा क्यों बंद कर रहा? बेटा हम लोग चाकू छुरी तेज करने वाले हैं। मम्मी! अबे मम्मी के बच्चे! मम्मी, मम्मी बचाओ मम्मी! अपू बेटा! मम्मी, मम्मी! कौन हो तुम लोग? घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? बुढ़िया ज्यादा आवाज नहीं करना, वरना तेरे बच्चे की नरम नरम गर्दन मैं उड़ा दूंगा। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज, मेरे बच्चे को छोड़ दो। अगर अपने बच्चे की सलामती चाहती है तो चुपचाप वैसा करती जा जैसा हम कहते हैं। हाँ, मैं वैसे ही करूंगी। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। सबसे पहले चुपचाप जाकर उधर बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, चलो। हाँ। चलो। अगर आप लोग लूटपाट के इरादे से यहाँ आए हैं तो मेरे घर में इस फर्नीचर के अलावा कुछ नहीं है। हम तेरे घर में जिसे लेने आए हैं वो अभी सचमुच तेरे घर में है नहीं, मगर कोई बात नहीं, वो अभी थोड़ी ही देर में यहाँ आ जाएगी। कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? नहीं समझी। मेरे पार्टनर का कहने का मतलब है मैडम बुढ़िया कि तुम्हारी बेटी गीता विश्वास को हम लेने आए हैं। नहीं नहीं नहीं। क्यों पार्टनर? उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते आप लोग। बस ये समझ ले बुढ़िया कि एक पुराना हिसाब चुकाना है उससे। कौन सा हिसाब? सब पता चल जाएगा, लगता है वो बाहर आ चुकी है। तुम चुपचाप दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले आओ। नहीं, मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगी। तो फिर मुझे इसकी जान लेनी ही पड़ेगी। रुक जाओ प्लीज। तो चुपचाप जाकर दरवाजा खोलो।
और भूलना मत, हमारे चाकू की नोक तुम्हारे बेटे की गर्दन पर है। अब जाओ, तुम लोग भी जाओ। अपो कहाँ है? कौन हो तुम लोग? इधर हम भी हैं गीता बेटे। डॉक्टर चेकॉफ तुम? अंकल कहो गीता बेटे, चेकॉल अंकल। आखिर तुम्हारे पापा का दोस्त था मैं। अंकल माय फुट। मामा, ये वही आदमी है जिसकी वजह से पापा शैतान बन गए थे और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। और अब मेरे ही हाथों तुम्हारे प्यारे भाई की भी जान जाएगी। नहीं। गुड, तो इसका मतलब तुम वो सब करोगी जो मैं चाहूंगा। आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कुछ घंटों के लिए तुम्हें बेहोश होना पड़ेगा। What? Yes, my little niece.